प्राइस था मेरा, तो एक साल खाली एक्स बैंक में इन्वेस्ट करता गया मैं पूरा मेरा सेविंग का। एक्स बैंक में आओ, एक्स बैंक में इन्वेस्ट करो, और गिरेगा तो इन्वेस्ट करो, एवरेज एवरेज एवरेज। रेसिस्टेंस के पास गया तो पुट ऑप्शन खरीद लो, सपोर्ट के पास आया तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, ये पिवट पॉइंट्स है वो ये है बोल के ऐसे रिसर्च में मालूम हुआ। तो उसमें खुद ही मारे, एक दो दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन उसका 50% चला गया। नहीं उस टाइम क्या हुआ था मालूम, वो मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजी थी कुछ प्रॉफिट के, वो स्क्रीनशॉट्स देख के मेरे को ये आ गया, अरे यार एस बैंक ने मेरा इतना पैसा लॉस हो गया, ये तो दो दिन में रिकवर करके देगी बोल रही है, 10 लाख का 1.5 लाख कुछ लॉस बता रहा था। फिर छोड़ दिया मैं, मेरा फ्लाइट था उसी दिन, छोड़ के मैं, छोड़ देंगे जो होता है होगा, अभी ये करियर का मेरा टर्निंग पॉइंट है, लॉस होगा तो छोड़ देंगे ट्रेडिंग, अगर कुछ ब्रेक इवन आ गया तो चालू करेंगे बोल के छोड़ दिया मैं ट्रेडिंग एयरपोर्ट में वो छोड़ के। बाद में मैं ट्रैवल किया, बाद में एयरपोर्ट में 2 बजे में लैंड, 22-23 FI में मेरा ग्रॉस रिटर्न 50% था, मेरा पोर्टफोलियो 30 लाख का यूज किया हूँ, मतलब उसको 10-15-20 लाख हर महीना, मतलब ट्रैडल प्राइस 250 दिख रहा है एक्सपायरी के दिन मेरे को एंट्री करना है, मार्केट में जो न्यूज है जो इवेंट है आपको लेना देना नहीं है, तो उसको रूल बोलते हैं। ठीक है, आज समझ लो 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो कल 25,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है, अगर लॉस हुआ तो बंद करना है सिस्टम के हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से, कभी रूल ब्रेक करके भी उस। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो ना, तो ये सोच के कि रातों रात अमीर हो जाऊंगा, उसके चक्कर में अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लगातार मार्केट में डालते जा रहे हैं, साल डेढ़ साल तक डालते रहे और उसके बाद एकदम से ही वो स्टॉक आपको धोखा दे जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं पुट्स एंड कॉल्स की, क्योंकि लोग आपको कह रहे हैं। उसके बाद आप किसी को अपना अकाउंट किसी के हाथ में दे देते हैं, साथ में पैसा अलग से देते हैं, कहते हैं कि मेरे 2 लाख का 10 लाख कर दीजिए। ये सब गलतियां मोहम्मद वजुद्दीन बादशाह ने की हैं, जो कि इंडिया से बाहर काम करते हैं, इंडियन हैं, लेकिन कुछ उस तरह की गलतियां की हैं जो आप या कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर शुरुआत में करता है। लेकिन उनकी जर्नी शुरुआत हुई थी 4,000 रुपये से, लेकिन आज की तारीख में 40-50 लाख रुपये का अपना पोर्टफोलियो संभालते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग भी करते हैं, और उनका मानना है कि जो स्ट्रेटेजी उनके पास है उसके साथ वो 5-10 करोड़ के कैपिटल के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जर्नी क्या रही थी, चैलेंज क्या रहे थे, नुकसान कितने खाए, फ़ायदे कितने हुए, आज वो एक सिस्टमैटिक ट्रेडर है, किस तरह से वो अपनी एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सो मैकेनिकल इंजीनियर नॉट टर्नड शेयर मार्केट ट्रेडर, बिकॉज आप इंजीनियरिंग अभी भी कर रहे हो, इज गोइंग अलॉन्ग, बट यू आर बेस्ड आउट ऑफ ओमान। तो हमारा पहला इंटरनेशनल बिग बुल गेस्ट वी हैव इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद। तो मोहम्मद, स्टॉक मार्केट ऑन अ सीरियस नोट, व्हेन कब शुरू किया आपने, और क्या इसको सीरियसली शुरू से ही ले लिया था, या शुरू में थोड़ा ऐसी जर्नी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, एक दिन मैं प्लांट में था, उस दिन मेरे पास कुछ जॉब नहीं था, ऐसे ही मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, विवेक बिंद्रा का एक वीडियो देखा मैं, उसमें स्टॉक मार्केट में वो कुछ बोल रहा था, ऐसे ही थोड़ा रिसर्च किया स्टॉक मार्केट के बारे में, बट पहले से ही पता था ये निफ्टी सेंसेक्स कुछ होता है, मार्केट में शेयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे ये मालूम हुआ, तो मैं ठीक है ट्राई करते हैं क्या जाने का है। तो एक दिन में, 2 दिन में मेरा अकाउंट ओपन हो गया, जीरोधा में 2 दिन में अकाउंट ओपन हो गया, बट उसमें क्या हो रहा था मतलब मेरा NRI अकाउंट था, तो अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, तो मैं बोला ठीक है मेरे भाई के अकाउंट से ओपन कराते हैं, पैन कार्ड उसका, तो उसके अकाउंट से मैं ओपन करा दिया जीरोधा में अकाउंट, ओपन करा के इनिशियली 4-5 हज़ार इन्वेस्ट कर दिया उसमें, डीमैट अकाउंट में डाल दिया, कुछ ABCD कुछ नहीं मालूम, तब एस बैंक का बहुत जलवा था, तब एस बैंक का 200 से 40-30 रुपया तक आ गया था, तो मैं इस बैंक में इंट्राडे ट्रेडिंग, जब मार्जिन वो ही मिलता था, MIS ऑर्डर कवर ऑर्डर 5,000 में आप 1 लाख का शेयर्स ले सकते हैं, वो बोलते हैं ना स्टार्टिंग लक, जब 4,000 से एक ही दिन में मेरे को 3,000 प्रॉफिट हो गया, अरे ये तो सही है यार, 4,000 में 3,000 हो गया, इस बैंक में कुछ नहीं आके खाली बाई सेल करना है, ना उसमें स्टॉप लॉस लगाना मालूम, ना कैसे ये करना मालूम, खाली बाय और सेल, देखो बाय करो सेल करो, तो सेटलमेंट भी नहीं मालूम, सेटलमेंट कैसे होता है, क्या किधर T1 क्या, T2 क्या, पैसा कब आएगा, वो सब कुछ नहीं मालूम, बस 4-5 हज़ार डाला अकाउंट में, तो इंट्राडे में चालू कर दिया, जब
फ्यूचर्स ऑप्शंस का कुछ नॉलेज नहीं था, डेरिवेटिव्स भी होता है बोल के। तो ऐसे करते करते 4000, फिर दूसरे दिन से टाटा मोटर्स इंट्राडे में चालू किया पीसी जुलर स्पेनिश स्टॉक्स, जो 20-30 रुपया में रहता है ना, जो उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीद सके, तो उसमें इंट्राडे में चालू कर दिया। 500 एक दो दिन ऐसे 500,000 कमाया, एक दिन झटका लगा पूरा 3-4 हजार चला गया इंट्राडे में, एक ही दिन में। तो अरे यार ये कैसे हो गया बोल के, तो धीरे धीरे 4000, 5000, 10000 ऐसे ही सैलरी इसका थोड़ा पार्ट डीमैट अकाउंट में डालते गया, 70-80 हजार हो गया एक दिन। तो इस बैंक का शेयर तब 250 कुछ चल रहा था पहले, वो 40-50 रुपए में आ गया था। यूट्यूब में बहुत सुनता था कि बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है, ये 40-50 रुपए आ गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, खरीद लो। हाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो, उनका जो सीईओ था ना वो बोलता था डायमंड है, मैं डायमंड को कभी नहीं बेचूंगा ऐसे ऐसे। तो सुन के उसमें वही 70,000 जो भी पैसा बचता था एस बैंक का शेयर खरीद लो, वो बोलेगा बढ़ेगा। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे 40-50 हजार वो 3 लाख रुपया हो गया, 40 रुपया का शेयर में 45 रुपीज कुछ एवरेज प्राइस था मेरा। तो एक साल खाली एक्स बैंक में इन्वेस्ट करता गया मैं पूरा मेरा सेविंग का, एस बैंक में आओ एस बैंक में इन्वेस्ट करो और गिरेगा तो इन्वेस्ट करो, एवरेज करते गया। तो फाइनली 3 लाख रुपया तक रीच हो गया उसमें पोर्टफोलियो मेरा एक दिन, वही एक साल हो गया एक्स बैंक में एसआईपी करते करते, मतलब एसआईपी में डेली उतना जितना गिरा फिर खरीद लो शेयर। तो मार्च में शायद 2020 में या 20 मार्च में वो निर्मला सीताराम बोल दिए, वो एक दिन शाम में न्यूज आता है कि इसका कुछ डिपॉजिट नहीं है बंद होने वाला है, दूसरा दिन वो 80-90% लोअर में ओपन हो गया, पूरा पोर्टफोलियो खत्म, जो जितना बता था कैश उसको विड्रॉ कर लिया, मतलब जो 4-5 रुपया में उसको बेच के 8-10 रुपया में, तो लॉस बुक कर लिया उसमें। लॉस बुक करने के बाद वो विड्रॉ कर लिया पैसा, बाद में सोचा डेरिवेटिव्स भी कुछ होता है बल्कि मालूम हुआ तब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रहते हैं नहीं, बट पहले सैलरी का 3 लाख रुपया सेविंग आते ही ऐसा स्टॉक में लगा दिया जो कि इनफेमस था, मतलब सही कारणों के कारण फेमस नहीं था। तो यार एक चीज़ बताओ मोहम्मद, के क्या मतलब किसने बंदूक रखी हुई थी यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है? नहीं, वो क्या बोलते ग्रीड आ गया था, इसमें बहुत पैसा बनता है बोल, आदमी लोग को देखता था ना यूट्यूब में। नहीं मैं तो कभी नहीं बोला। नहीं, ग्रीड आ गया मतलब स्टॉक मार्केट में वो क्या बोलते राकेश झुंझुनवाला 5000 में 50,000 करोड़ तक पहुंच गया इन्वेस्ट करके, सब आदमी ऐसे बन सकता है बोल के यूट्यूब में बहुत मोटिवेशन देते हैं ना वो, कई बार उल्टी पड़ जाती है। नहीं बट चलो ठीक है, अपने को पता था ना मोहम्मद कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ खास पता है नहीं और लॉस भी हुआ था, तो फिर डेरिवेटिव्स की तरफ क्यों जा रहे थे? डेरिवेटिव्स में भी बोला डेरिवेटिव्स में भी पैसा बनता है बोल के, तो डेरिवेटिव्स में फिर ऐसे वैसे करके सैलरी का बचा हुआ कुछ 3 लाख रुपया फिर जम गया। तो फिर मैं अपने अकाउंट ओपन कराया था, मैं इंडिया आके फिर मेरा एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा के, तो मेरे से अपस्टॉक्स में ओपन किया मैं अकाउंट अपना, मेरा पूरा मतलब मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड मेरा बैंक अकाउंट, तो अपस्टॉक्स में ओपन किया। तो डेरिवेटिव्स में ऐसे ही 3 लाख रुपया मेरे पास था कैश सेविंग कुछ, तो अपस्टॉक्स में इन्वेस्ट किया मतलब ट्रांसफर किया, और डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कुछ रहता है बैंक निफ्टी का खरीदना है, मार्केट ऐसे ये रेसिस्टेंट है ये सपोर्ट है इसको देख लो, इधर आ गया तो रेसिस्टेंस के पास गया तो पुट ऑप्शन खरीद लो, सपोर्ट के पास आया तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, ये पिवट पॉइंट्स है वो ये है बोल के ऐसे रिसर्च में मालूम हुआ। तो उसमें खुद ही मारे, एक दो दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन उसका 50% चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक मेरे को मैसेज आता था, हम लोग ये देते हैं आपको कॉल देते हैं हमारा 80-90% एक्यूरेसी रहता है, ऐसे मैं उनको कांटेक्ट किया है दूसरे दिन, 15,000 रुपया एक साल के लिए आपका पक्का कॉल रहेगा, हम लोग पक्का एक कॉल देंगे वो 90% एक्यूरेट रहेगा बोला। ठीक है हाँ ठीक है, मैं 15,000 उनको ट्रांसफर कर दिया। तो बोले कि आपका कैपिटल कितना है, मेरा कैपिटल है 2-2.5 लाख का कैपिटल है बोला। ठीक है सर हम लोग अकाउंट हैंडलिंग भी करते हैं, आप 50,000 रुपये दीजिए मैं आपका अकाउंट 2-3 दिन में 5-6 लाख रुपये कर दूंगी। वो लड़की थी लेडी थी कोई, तो उसको 50,000 ट्रांसफर किया, अकाउंट डिटेल सब दे दिया और 2 दिन में 3 लाख का 30,000 कर दी मेरा अकाउंट। नहीं मतलब हैरानी नहीं हुई आपको कि मेरे को आपको आपको इतना पैसा मोहम्मद देते हुए
यू आर नॉट थिंकिंग के यार क्या कर रहा हूँ मैं. नहीं उस टाइम क्या हुआ था मालूम, वो मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजी थी कुछ प्रॉफिट के. वो स्क्रीनशॉट्स देख के मेरे को ये आ गया, अरे यार एस बैंक ने मेरा इतना पैसा लॉस हो गया, ये तो दो दिन में रिकवर करके देगी बोल रही है, ये तो सही है ये. वो बोली हम लोग ऑपरेटर फ्रेम है, हम लोग ऑपरेटर की फ्रेम है. मैं बहुत सुनता था तब ऑपरेटर होता है कुछ, ऑपरेटर लोग ये करते है वो करते है. तो मैं, मेरे को ग्रीड आ गया तो मैं उसको दे दिया. बाद में दो दिन में वो मेरे को 90% खत्म कर दिया अकाउंट मेरा. ऑपरेटर ऐसे 15,000 रुपए करके अमीर नहीं होता है. ऑपरेटर के पास कंट्रोल, पूरे के पूरे स्टॉक का कंट्रोल है उसके पास, उसको जरूरत नहीं है इसकी. ये पूरा जर्नी 2020 तक चला है पूरा ऐसे ही. ऑर्डर 5-6 लाख का नुकसान हुआ. 5-6 लाख का स्टार्टिंग नुकसान हो गया मेरे को. अच्छी फीस दे दिया आपने शुरुआत, एंट्री फीस दे दी उसको 50,000 दे के सब मिला के 5-6 लाख रुपया लॉस हो गया. मतलब 2.5 लाख एस बैंक में लॉस हुआ, 2.5 लाख डेरिवेटिव्स में लॉस हो गया. मतलब 5.5-6 लाख थोड़ा लॉस हो गया मेरे पेंशियली. फिर 20 मेरे को एक 6 महीने का गैप ले लिया मैं, देखते हैं बोल के थोड़ा थोड़ा ये किया मैं, रिसर्च किया कैसे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या बॉलिंजर बैंड वो सब क्या क्या चार्ट इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं बोल के उसको थोड़ा स्टडी किया मैं 5-6 महीना. फिर 2021 में एक 3 लाख से फिर चालू किया मैं, 3-4 लाख से. तब कैसा था मालूम जर्नी, तब मैं ऑप्शन सेलिंग में आ गया. ये एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये भी होता है बोल के. तो उसमें थोड़ा है ना कैसे था मालूम, एक वीक प्रॉफिट होना, एक वीक लॉस हो जाना, ऐसे चल रहा था. तो ब्रेक इवन मतलब एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, लाइक जीरो आर लूजिंग सम 10-15,000. मैं सोचा ये ऐसे नहीं चलेगा बोल के. बाद में बंडी श्रीयस एक यूट्यूबर है, वो उसका वीडियोस देखा, वो कैसे रिस्क मैनेज करता है अपने को, कैसे ये करता है. थोड़ा मेरे को ये हुआ हाँ नहीं नहीं मार्केट में खाली यही नहीं देना है, थोड़ा रिस्क भी मैनेज करके चलना है, अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है. बिना एक दिन में कुछ भी मुंह आएगा आपको पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा आपका. करेक्ट. हाँ बाद में है ना फिर मेरे को 2022 फरवरी मार्च स्टार्टिंग से मैं एक 4 लाख मेरा कैपिटल था मेरा तब. तो मैं चालू किया इंट्राडे में, मतलब रिस्क हो गया एक दिन में इतना लॉस हो गया तो बंद कर देना ट्रेडिंग. तो उस दिन जब से मैं थोड़ा ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करना चालू किया. ओके मार्च उस दिन वो महीना मेरे को ऐसे ही करते करते 10% प्रॉफिट हुआ मेरा कैपिटल का. 10% कैपिटल हुआ. okay. थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरे को, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. तो फिर अप्रैल था उस दिन मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा था दो दिन पहले. बैंक निफ्टी में उस दिन मैं एक स्ट्रैडल बनाया था 36,000 चल रहा था स्पॉट, 36,100 का 1 बजे स्ट्रैडल बनाया मैं. उस टाइम क्या हुआ मालूम, बैंक निफ्टी एक ही दम 1,000 पॉइंट क्रैश हो गया, 1,000 पॉइंट गिर गया. 36,100 का स्ट्रैडल है, 35,000 आ गया एक घंटे में. मेरा 20% का लॉस बता रहा है कैपिटल, 10 लाख का कैपिटल है 20% लॉस बता रहा है. मैं उसको क्लोज नहीं किया, छोड़ दिया कल देखते हैं बोल के. फिर दूसरे दिन ओपन हुआ मार्केट तो उधर ही था मार्केट, पूरा कंसोलिडेट किया वो 10 लाख का 1.5 लाख कुछ लॉस बता रहा था. फिर छोड़ दिया मैं, मेरा फ्लाइट था उसी दिन छोड़ के. मैं छोड़ देंगे जो होता है होगा, अभी एक करियर का मेरा टर्निंग पॉइंट है, लॉस होगा तो छोड़ देंगे ट्रेडिंग, अगर कुछ ब्रेक इवन आ गया तो चालू करेंगे बोल के छोड़ दिया मैं ट्रेडिंग एयरपोर्ट में. वो छोड़ के बाद में मैं ट्रैवल किया. बाद में एयरपोर्ट में 2 बजे मैं लैंड हुआ, देख रहा हूँ बैंक निफ्टी 400 पॉइंट रिकवर हो गया था, ब्रेक इवन के पास आ गया था मेरा, तो लॉस रिकवर हो गया था. तो उसी टाइम मैं एयरपोर्ट में एयरपोर्ट का वाईफाई ऑन करके उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा भाई इसको देख करना है. उसी दिन मैं डिसाइड कर लिया कि इतना परसेंट लॉस कभी नहीं लेना है, ऐसे लेंगे तो ट्रेडिंग पूरा कभी नहीं कर सकते. बाद में मैं मेरे साइकोलॉजी पे काम किया. आई होप कि ये जो पोजीशन को ओवरनाइट कैरी किया ये आखिरी बार था, कि उसके बाद भी ऐसे इंस्टेंस हुए. ऐसे सिचुएशन में मैं बोल दिया कि आखिरी बार, उम्मीद पे नहीं रहना. उस दिन मेरा लक था कि रिकवर हो गया, अगर नहीं होता तो शायद मेरा ट्रेडिंग का करियर ही खत्म हो जाता. और पता है क्या, बंदा इतना डिमोटिवेट हो जाता है लाइफ में, कुछ और बाकी चीजों में भी ध्यान नहीं जाता. हाँ बहुत बहुत डिमोटिवेट होता है, बहुत साइकोलॉजी इमोशंस बहुत काम आता है इसमें ट्रेडिंग में. बाद में मैं मेरे साइकोलॉजी इमोशंस पे काम किया. नहीं इस पे ग्रीड नहीं करते हैं, एक सर्टन एक हेल्थी रिटर्न इसको टारगेट करते हैं, लाइक 4-5%, बस इतना मिल गया तो बहुत है. और 3-4% का महीने का लॉस रखेंगे,
अगर 3-4% लॉस होता है तो थोड़ा ब्रेक ले लेंगे एक महीना जो टारगेट है, तो तब से उसको ऐसे टारगेट चालू किया जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं ओवरनाइट लेके जाता हूँ, इवेंट्स देखता हूँ मैं ओवरनाइट। कुछ ग्लोबल में कुछ इवेंट्स नहीं है ना, तो कुछ इवेंट्स नहीं, यूएस में कुछ इवेंट्स नहीं, यूरोप में कुछ इवेंट्स नहीं, इंडिया में कुछ इवेंट्स नहीं, तब मैं ओवरनाइट लेके जाता हूँ। एसटीबीटी करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी बनाया मैं। तो ऐसे धीरे करते करते एसटीबीटी एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते करते तो हर महीना 2-3%, 5%, 6% एवरेज रिटर्न निकलते गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं कह रहा था कि यार आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था अभी तक कैश मार्केट में, है ना, सीधा ही हल्का फुल्का ऑप्शन बाइंग, हल्का फुल्का नहीं 2.5 लाख का ऑप्शन बाइंग किया, नुकसान खाया, फिर ऑप्शन सेलिंग में आप आ गए। आपको लगता कि बहुत जल्दी हो रहा है सारा कुछ? हाँ लगा नहीं, बट देखता था मैं ऑप्शन सेलिंग में, वो बोलते ना प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलिंग में 66% है, ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर नहीं बनाता है, लॉस करता है। तो मैं देखा ये ऑप्शन सेलिंग मतलब नेकेड नहीं करना है, उसको स्ट्रैडल या ट्रायंगल बनाना है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो आपको पैसा होगा, मार्केट मूव हो जाएगा तो आपको लॉस होगा, ऐसे देखा मैं। तो उसी पे काम किया मैं, उसी में ऐसा नहीं कि उसमें वो बोला ना 21 में ऑप्शन सेलिंग किया ना, तो मेरे को एक दिन प्रॉफिट लॉस ऐसा ब्रेक इवन हो रहा था अर्धा मंथ, तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो फिर मैं ब्रेक ले लिया धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग में या इंट्राडे में, मतलब ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शनली करता हूँ, लाइक ट्रायंगल स्ट्रैडल, नेकेड कभी नहीं करता हूँ, स्ट्रैडल स्ट्रायंगल ही करता हूँ। मैंने सुना कि यू आर ऑल्सो इन टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, आप कुछ सिस्टमैटिकली डिस्क्रिशनरी नहीं हो आप, यू रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं? अभी है ना, जब 2022 से अब तक मेरे को अच्छा रिटर्न मिल गया, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट में, इसमें रिस्क मैनेज करके एक हेल्थी रिटर्न बना सकते हैं बल्कि। बट हाँ, ये 22-23 FI में मेरा ग्रॉस रिटर्न 50% था मेरा पोर्टफोलियो का। ओके, नॉट बैड। और इसमें सेग्रीगेशन क्या है कि ऑप्शन सारा ऑप्शन सेलिंग से ही है? ऑप्शन सेलिंग से खा रहा, सारा ऑप्शन सेलिंग से। अच्छा, ओनली ऑप्शन सेलिंग 50% रिटर्न ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल एवरेज कैपिटल 30 लाख का यूज किया हूं, मतलब उसको 10-15-20 लाख हर महीना, मतलब तो एवरेज कैपिटल लेंगे तो 30 लाख का है, तो 30 लाख में मेरा कैपिटल रिटर्न हुआ 15 लाख ग्रॉस का, उसमें चार्जेस थोड़े ज्यादा है, तो नेट रिटर्न 37% का है फाइनेंशियल ईयर का। तो दिसंबर में मैं मेरा कैपिटल बढ़ा लिया, अभी 40 लाख में बढ़ा लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो अभी मेरे को है ना, प्रॉफिट को इंक्लूड किया या नहीं? प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया, थोड़ा मेरा सैलरी का भी मैं ऐड करते गया। ओके, अच्छा, दिसंबर में, अक्टूबर में मेरे को अभी अमाउंट बड़ा हो गया ना कैपिटल का, तो मैनुअल में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को मैनेज करना ये सब देखना कैपिटल को। तो एक ट्रेड फ्लो बोल के सिस्टम है, एक अल्गो प्रोवाइडर है, तो उसमें मेरे को मालूम हुआ कि यूट्यूब में देखा कि एक ट्रेड फ्लो सिस्टम है, इसमें ऐसे कर सकते हैं, तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, वो मेरे को एक एल्गो सिस्टम बना के दिए जो मेरे को चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी है ना, मेरा पोर्टफोलियो साइज है 40 लाख का, तो मैं अभी मेरा एल्गो से ही सब ट्रेड करता हूँ मैं, उसमें कॉन्फ़िगर करके छोड़ देता हूँ डेली। अगर मैं जॉब में भी रहता हूँ ना, तो मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ, एल्गो में मैं सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, जब मॉर्निंग में क्या करना है तो एल्गो उसके हिसाब से करता रहेगा, वो एल्गो खाली एग्जीक्यूट करेगा, आपको क्या कॉन्फ़िगर करें है ना उसके ऊपर वो ऑपरेट होगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। करेक्ट, ऑफ कोर्स। नो बट वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कस्टमाइज्ड कोडिंग करवाई है उस थर्ड पार्टी से या इट्स लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ अ थिंग? नहीं, वो कस्टमाइज्ड कोडिंग कराया है, आपको मैं बता सकता हूँ। ओके, ये पाइथन पे होता है वो वाला? हाँ, नहीं, ट्रेड फ्लो बोल के एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, नहीं, पाइथन कोडिंग लैंग्वेज? हाँ, पाइथन कोडिंग, पाइथन का ही है, पाइथन का ही है। तो ये वीएम है, उनका वीएम है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरा अकाउंट का आईडी है, एपीआई से सेटिंग है, ज़ेरोधा से लिंक होगा। तो इधर तीन ऑप्शंस आता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो चाहिए आपको उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इधर एक्सपायरी का ये है, अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करना है तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या इसमें क्या होता है मालूम, अभी देखिए मैं मेरा स्ट्रैटेजी क्या करता हूँ मालूम, मैं अभी ये स्ट्रैडल का ये है, स्पॉट है, उसका प्रीमियम्स क्या चल रहा है कंबाइंड, ये सब इधर बताता है, ठीक है। इसमें आपको कितना ऑर्डर्स चाहिए वो सब सेलेक्ट कर लेना है, और ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें अच्छा बना के दिया अमित है, ये डेवलपर, इसका नाम अमित है, ये डेवलपर का नाम ये है ना,
वेट वेट करना है, मतलब समझ लो आप, मैं ज्यादातर है ना मेरा एमटीएम स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करता हूँ, जब मेरा विनिंग ट्रेड रहता है ना तो मैं एमटीएम मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेड करता हूँ। जैसे समझ लीजिए मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया उस स्ट्रैटेजी पे, तो मैं 10,000 का मेरा एमटीएम स्टॉप लॉस रखूंगा। ओके, अगर ये कॉन्फिगर कर दूंगा कि अल्गो को अगर 10,000 आएगा तो उसको एग्जिट हो जाना है, पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देना है, कुछ नहीं करना है उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है मालूम, ये टिक दिया है, समझ लो कभी कभी फ्रीक ट्रेड भी हो जाता है, कुछ मूवमेंट आके फिर मार्केट रिकवर हो जाता है एक एक टिक में, तो यहाँ पे एक सिलेक्शन दिया है, समझ लो एक टिक, दो टिक, तीन टिक, वो वेट करेगा एल्गो। जैसे अभी 10,000 आ गया तो वेट करेगा 10,001, 10,002, 10,003 बोल के, जितना हम लोग टिक सेलेक्ट किए होंगे उतना टिक सेलेक्ट करेगा। तो मैं इधर जितना मेरे को चाहिए मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैं इधर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये सेम जीरोधा के जैसा बास्केट ऑर्डर, अगर आपको बास्केट ऑर्डर चाहिए तो आपको बास्केट ऑर्डर इधर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या अगर आपको एक ऑटो एंट्री चाहिए एक टाइमिंग पे, ये अगर आपको स्ट्रैडल चाहिए तो ये -1 इधर सेलेक्ट कर लेना है, इसको क्या टाइमिंग पे चाहिए, कुछ सब कॉन्फिगर है इधर, कुछ क्या टाइमिंग पे चाहिए आपको, कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, सब टाइमिंग दे दिया है। ओके, या अगर आप कुछ ट्रैडल भी चल रहा है तो आप जो क्वांटिटी चाहिए आप इधर से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ है देखिए पीएनएल का टारगेट, अगर समझ लो जो भी मैं स्ट्रैटर्जी में एंटर करता हूँ ना उसका, मैं अगर वो एक्सपायरी के दिन है तो मैं एक स्ट्रैटर्जी के लिए 1% मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क रखूंगा और टारगेट रखूंगा 1:3। लाइक अब 40,000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो 1,20,000 का मैं प्रॉफिट टारगेट रखूंगा। और ये है ना ये ट्रायलिंग स्टॉप लॉस, जितना चाहिए आपको ट्रायल, आपको 10,000 ट्रायल करना है, 15,000 ट्रायल करना है, 20,000 ट्रायल करना है, आप इधर सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑटो अपडेट को क्लिक करना है। जैसे आप देखिए -20,000 यहाँ पे सीधा वैल्यू लिखनी है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे 1:2, 1:3 ऐसे नहीं लिख सकता मैं। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ जो वैल्यू एग्जिट पीएनएल रखे ना, ये टारगेट पीएनएल, इसी पे डिसाइड कर लेना आपको। और इसको आपको ये भी करेगा वो, मतलब एडजस्टमेंट भी करता रहेगा, इधर भी है। अगर समझ लीजिए आपको आप स्ट्रैडल बनाए, ट्रायंगल बनाए, फॉर एग्जांपल एक 50 रुपये का आप कॉल सेल किए, इधर आप अगर 50 का समझ लीजिए 80 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, जो भी हो आपका स्ट्रैटर्जी के हिसाब से, लेट्स सी मैं 70 सेल करता हूँ, जैसे ही वो कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही कॉल ऑप्शन 70 जाएगा जो हम लोग टिक सेलेक्ट किए, वो क्या करेगा मालूम, डी रिस्क कर देगा कॉल को, वो सेल करके दूसरा कॉल के पास चला जाएगा। ये अगर समझ लो 42,100 चल रहा है ना, अगर मार्केट 42,200 चल गया तो 200 का कॉल डी रिस्क कर देगा और 300 का सेल करेगा। ओके ओके, ऐसा स्ट्रैटर्जी है तो मैं अपना सिस्टम बना के रखा हूँ, तो स्ट्रैडल मिलेगा तो ऐसे सेल करना है, और मार्केट के पर कंबाइंड प्रीमियम पे अगर प्रीमियम मेरा 40% से नीचे गया तो स्ट्रैडल से निकल के फिर दूसरा स्ट्रैडल शिफ्ट हो जाना है, ऐसे ऑटो में होता रहेगा। तो जी डेटा पॉइंट्स हैं सारे, दिस वाज कॉन्फिगर्ड, आपने बताया था मुझे ये डेटा पॉइंट चाहिए और इसमें ये डेटा वैल्यूज चाहिए, या ये प्री डिफाइंड होता है? नहीं नहीं नहीं, पहले इनिशियली वो सिंपल बनाया था, बाद में वो खुद हम लोग का रिक्वेस्ट लेके वो सब बना के दिया अपना कोडिंग से। नहीं नहीं, हम लोग को ये भी चाहिए, इसमें क्या क्या कस्टमाइज करवाया? हाँ, कस्टमाइज करवाया, वो कस्टमाइज करते गया, अपडेट करते गया सॉफ्टवेयर को। ओके, व्हिच पार्ट ऑफ इट इज कस्टमाइज्ड, जो ये सारे रूल्स हैं ये सारे कस्टमाइज्ड होंगे? ये नहीं, ये स्ट्रैडल ये जो बता रहा है ना टेबल, ये कस्टमाइज हुआ है, नया से ऐड किया है वो रिसेंटली, ये है ना यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंबाइंड प्रीमियम कितना चल रहा है, पहले कितना था, प्रीवियस क्लोज क्या था, अभी क्या चल रहा है, तो आपको जाके जीरोधा में ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं होगी, अब डायरेक्ट इधर ही देख के आपको इधर से ही मालूम हो जाएगा क्या क्या प्रीमियम चल रहा है कंबाइंड का। मैं स्ट्रैडल कभी भी ट्रेड करता हूँ ना तो कंबाइंड प्रीमियम देखता हूँ क्या चल रहा है बोल के। अच्छा, और अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी में कुछ और कस्टमाइजेशन करवानी हो तो यू कॉल दैट पर्सन व्हेन द पर्सन डज इट, ऐसा होता है? हाँ, वैसे होता है, अगर हम लोग का रिक्वेस्ट पे वो अगर हो सकता है तो करके देगा, करके देता है। ये जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है कौन सी कंपनी का है? ट्रेड फ्लो। फ्लो, ये इनका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वगैरह कुछ? हाँ, सब्सक्रिप्शन। जो ये कोडिंग करवाई है अपन ने कस्टमाइज्ड, इसके लिए कितना को खर्चा आ जाता है? नहीं नहीं, वो ये पैकेज में ही आता है, वो जो हम लोग को सब्सक्रिप्शन दिया है ना पर मंथ 10,000 का पैकेज। अच्छा, उसी में आता है? उसी में आता है सर। अच्छा, अलग से नहीं है आपके? अभी इधर से देखो, आपको इधर से ये सॉफ्टवेयर मेरे को मालूम हुआ कि ऐसे सब होता है बोल के तो अच्छा लगा, कैपिटल बढ़ते गया ना तो मेरे को ये लेना ही था। तो इसमें क्या है मालूम, एक क्लिक में खाली आपको बाय सेल, आपको क्वांटिटी जितना भी हो, एन नंबर ऑफ क्वांटिटी, आपका 1,00,000 क्वांटिटी हो, 2,00,000 क्वांटिटी हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो खाली विद इन सेकेंड में एग्जीक्यूट होता रहेगा, आपको बास्केट ये वो बनाने की भी जरूरत नहीं।
और इसमें सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये मेरा ये फेवरेट है, ये MTM PNL का, यही पे मैं ट्रेड करता हूँ, MTM PNL पे। तो जॉब भी कर रहा हूँ ना, तो मैं डेली मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ, सुबह में मार्केट देखता हूँ, तो मार्केट पे डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है, उसके ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज में उसको कॉन्फिगर कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ। ओके, एक बार स्ट्रैटेजी कॉन्फिगर कर दी और अगर मार्केट उस हिसाब से नहीं बिहेव कर रही, देन एक फिर क्या? तो मेरा एक MTM स्टॉप लॉस है ना, ये मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, एक एक दिन का 1% का लॉस पोर्टफोलियो का, अगर वो रीच हो गया तो मैं स्टॉप कर देता हूँ ट्रेडिंग, मतलब उस दिन बंद, दूसरे दिन देखें। ओके, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल रहता है, इस फॉर्मेट में इस तरह से ट्रेडिंग करने में थोड़ा कंट्रोल, हाँ थोड़ा कंट्रोल रहता है, और मेरे को कॉन्फिडेंट भी रहता है कि अगर मैं स्क्रीन भी नहीं देख रहा हूँ ना तो चलेगा, मेरा अल्गो कॉन्फिगर है वो संभाल लेगा। अच्छा, पर इसमें ये होता है मोहम्मद के सिस्टमेटिक में आने से बंदे को पता होता है मेरे को इतना PNL मेंटेन करके रखना है, मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो, मेरा टारगेट हो गया तो। बट अगर डिस्क्रिशनरी कर रहे होते तो डोंट यू थिंक कि शायद मार्केट में अपने ह्यूमन इमोशंस लेके विद रूल बेस्ड, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रूल बेस्ड, वहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी ओपन नहीं होती है, हल्का फुल्का टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस वहाँ पर भी मेंटेन करते हो, लेकिन प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ वो डिक्शनरी में है ना, वो आपका विनिंग रेट बहुत कम है, मैं वो भी ट्राई किया डिक्शनरी ट्रेडिंग करने जाके, लाइक इन फेब्रुवरी, शायद फेब्रुवरी में मैं यही रिसेंट में, ठीक है ये नॉन डायरेक्शनल छोड़ के डिक्शनरी ट्राई करते हैं, तो 3-4% का लॉस ले लिया मैं पोर्टफोलियो का मेरा, तो मैं छोड़ दिया, नहीं नहीं मैं अपना जो सिस्टम बनाया हूँ उसी पे काम करते हैं। मेरा मेरा सवाल इज थोड़ा ओपोजिट टू दिस एक्चुअली, कि अगर सिस्टमेटिक में ऑप्शन सेलिंग में, एक तो ऑप्शन सेलिंग है तो एक तो सेफ हो गया, थोड़ा कैपिटल है अपने पास, ऊपर से उसको सिस्टमाइज कर दिया, तो व्हेन यू हैव बेटर साइकोलॉजी, जब ह्यूमन एंगल आ जाता है ट्रेडिंग में और साइकोलॉजी पे भी कंट्रोल है, व्हेन यू योरसेल्फ कैन बी एन एल्गो इफ यू रिक्वायर्ड, अगर उस लेवल पे पहुंच जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू दिस। हाँ वहाँ पे होने के ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अपन थोड़ा रुक गए हैं यहाँ पे। हाँ अभी सेटिस्फाइड क्या, अभी क्या है मालूम, उसके लिए जाएंगे तो रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तो अभी शायद मेरा साइकोलॉजी उस पे मैं ये नहीं किया हूँ, मेरे माइंड को सेट नहीं किया हूँ। यहाँ पे तो साइकोलॉजी का यूसेज है ही नहीं, यहाँ पे स्किल का यूसेज है। नहीं नहीं इसमें शेयर मार्केट में आपको इसमें क्या होता है मालूम, आपका स्किल मेरे हिसाब से स्किल 20% है और सब आपका साइकोलॉजी का भी गेम है। दैट इज ट्रू, बट मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग में कह रहा हूँ, रूल बेस्ड डिस्क्रिशनरी में तो है ही, बट रूल बेस्ड ट्रेडिंग में साइकोलॉजी किस लेवल पे यूज होती है? जैसे देखिए साइकोलॉजी रूल बेस्ड में क्या होता है मतलब, ठीक है आपको अगर ये दिख गया तो आपको एंट्री करना है, जो चाहे मार्केट जैसे भी हो, मार्केट में जो भी न्यूज चलता हो, कुछ भी होता रहो, आप एक रूल बना दिए, ठीक है अगर मेरा स्ट्रैडल प्राइस 250 दिख रहा है एक्सपायरी के दिन, मेरे को एंट्री करना है, मार्केट में जो न्यूज है जो इवेंट है आपको लेना देना नहीं है, तो उसको रूल बोलते हैं। अभी डिक्शनरी मतलब आपको देखना पड़ेगा मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और सब चीज क्या है। इसमें साइकोलॉजी का गेम है कुछ, इसमें आपने खुद खुद का एक लॉजिक लगाया, रूल ऐड कर दिया, इसमें साइकोलॉजी का गेम क्या आता है मालूम, समझ लीजिए आपका जैसे ही आप एंट्री किए, आपका 1 मिनट में कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एक ही 1 मिनट में जैसे एंट्री किया आपका 1% स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो आपको उधर आपका साइकोलॉजी का ये आएगा पार्ट आएगा, समझ लीजिए आपका एक, हाँ जैसे 1% आपका 2 मिनट में, ऐसे तो मेरे साथ बहुत हुआ है, आपका जैसे ही एग्जीक्यूट किए 2 मिनट में आपका 1% लॉस खत्म। अगर आप अपने इमोशन साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं करने गए, आप ओवर ट्रेड करेंगे और भी लॉस होने के चांसेस है। तो यहाँ पे भी तो ओवर ट्रेडिंग हो ही सकती है, रिवेंज ट्रेडिंग हो ही सकती है, एक बार लॉस स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप तो चलो 1% के स्टॉप लॉस पे आप निकल लेते हो कि बस हो गया आज का हमारा, लेकिन नहीं नहीं मेरे ओवर ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ऐसा 100% मैं भी ये नहीं हूँ, अभी कभी कभार ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग भी हो जाती है और मार्केट सबक भी दे देता है ओवर ट्रेडिंग करने से, 2-3% लॉस हो जाता है कभी कभी। ओके, कोई ऐसा वाक्यात, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने जिसने सिखाया हो कि भाई सीख जाओ संभल जाओ? यही है ना, बहुत बार एक्सपायरी के दिन ही मेरे साथ बहुत बार होता है, जैसे मेरे को प्रीमियम्स दिखा, मतलब एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल मूव होता है एक एक बार, तो प्रीमियम्स भी बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं,
और अपना स्ट्रैटेजी एक सड़न मुंह को चल नहीं सकता है, जो हम लोग मेरा स्ट्रैटेजी रहता है ना, वो सडन गामा मुंह को होल्ड नहीं कर पाता है। तो वहां पे मार्केट सिखा देता है कि जिस दिन मार्केट को पैसा देना है उस दिन पैसा ले लो, जिस दिन लेना है तो मार्केट को जितना लेना है उतना ही दे दो, अगर ज्यादा करने जाओगे तो पूरा देखे बैठ जाओगे। ऐसा ऐसा कब हुआ जब लगा कि यार मैं अच्छा हूँ इस काम में? हाँ, ये कब हुआ मालूम? जैसे मेरे को दिसंबर जनवरी 2023 में जब मैं देखा, हाँ मेरे पास तो 40-50% का रिटर्न हो गया है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छा हेल्थी रिटर्न ले लिया है। और मेरे के पास एक सेबी का डाटा भी आया था 1-2 महीना पहले, उसमें 89% रिटेलर्स आर इन लॉस, ओनली 11% आर इन प्रॉफिटेबल बोल के, जब मैं इवेल्युएट किया अपने आप को तो मैं कोसे पोजीशन में हूँ कहाँ हूँ बोल के, तो एक हेल्थी रिटर्न हो गया। हाँ भाई, मेरा एक सही वे में जा रहा हूँ, सही रास्ते में जा रहा हूँ बोल के, मेरे को तब जनवरी फरवरी में 100% कॉन्फिडेंट आया मेरे इस पे सब। वेयर यू फील के अब मैं इवॉल्व कैसे करूं, अब मैं नया क्या करूं, अब मेरे को फुल टाइम करना है? वैसे आप फुल टाइम नहीं हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो, विच इज़ ओके, फुल टाइम ट्रेडर बनना ज़रूरी नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर इस पर ट्रेडिंग करना भी है, पार्ट टाइम रेगुलरली करना है, एक्टिवली करना है, तो उस केस में भी आपको देखना पड़ेगा ना कि मैं इवॉल्व कैसे होता रहूँ, ग्रो कैसे हूँ। अभी इसमें मेरा एक ही चैलेंज है कि अभी देखो लास्ट टाइम मैं 50% मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न ले लिया, तो अभी भी मैं ऐसा नहीं कि इस पे मैं डिपेंड हो सकता हूँ, ऐसे तो मैं छोड़ देता था मेरा जॉब, बट ये मेरा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा नहीं कि मैं इस पे 100% डिपेंडेंट हूँ कि मैं हर महीना प्रॉफिट करूंगा, हर दिन प्रॉफिट करूंगा, इस पे मेरा घर द्वार सब चलता रहेगा, ब्रेड एंड बटर, तो अभी वो स्टेज पे नहीं आया हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ठीक है हर महीना मैं प्रॉफिट करूंगा, मेरे पास उतना तो कॉन्फिडेंट है, अभी वो लेवल का नहीं है कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसमें है ना, मैं एक ही चीज सीखा हूँ, ट्रेडिंग में आप जब कर सकते हो, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है जो स्टेबल है, जो आपका बैकअप करता रहेगा, ठीक है, आपको प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी चीज का। अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो आप इसमें आप इवॉल्व कर सकते हो, जैसे आपके पास कैपिटल बढ़ता गया तो यही है ना। अगर समझ लीजिए मैं दूसरे स्ट्रेटेजी पे काम करता, मेरा यही है, एक लॉन्ग टर्म का व्यू है। अब समझ लीजिए आप मेरे पास जी 40 लाख का है, 1-2 साल के बाद 1 CR भी पहुंच गया, 1 CR 2 CR, तो 1 CR 2 CR के लिए स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। हाँ, ये 5 CR 10 CR तक ये स्ट्रैटेजी मैं आराम से यूज कर सकता हूँ। मतलब रातों रात अमीर नहीं बनना है, जल्दी नहीं पड़ी है मैं रातों रात इसमें। अमीर नहीं बनना है मेरे को, धीरे धीरे चलना है रातों रात। कोई एक चीज सिखाऊं और एक इसमें, कि वो जब मैं उसको पैसा दिया था ना, जो मेरा अकाउंट होल्ड करने वाला, वो मेरे को सिखा दिया था कि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है, तुम चले जाओ बोल के बोल दियो। क्या आपका आपका कितना पैसा? मैं 5-6 लाख कर दूंगी। हाँ, वो 2 लाख में 2 दिन में 5-6 लाख कर दूंगी बोली। ठीक है, बहुत अच्छा बुद्धि रही थी आप। और रिसेंटली भी मेरे को एक मैसेज आया था कि ठीक है आप 50,000 दे दीजिए, 2 लाख का मैं 5 लाख कर दूंगा एक दिन में बोला। ठीक है भाई, नहीं चाहिए उतना पैसा, नहीं चाहिए मेरे को, तुम स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास रखो, मैं मेरे से खुश हूँ बोल दिया। अभी मेरा एक ही भी हुआ कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी बनाया हूँ ना, ये मेरा 5 CR 10 CR तक इसको आराम से ये हैंडल कर सकता है। ओके कैसे 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 कह सकते हो कॉन्फिडेंटली ये चीज़? ये है ना, जो मैं सिस्टम जो डेली वर्क करता हूँ, जो मेरा एल्गोस है ना, उस पर मैं बोल सकता हूँ कि वहां तक ये आराम से होल्ड कर सकता है। थोड़े ये जो भी है ना, उसको स्लिपेजेस भी लेके चलता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं स्लिपेजेस नहीं लेके चलता हूँ, मार्केट में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं सब लेके डिफाइन किया हूँ। इसमें क्या है मतलब प्रॉफिटेबल, लाइक 10 में से कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट मेकिंग है एंड लॉस मेकिंग है, उसका रेशियो कुछ इफ यू हिस्टोरिकली कुछ एनालिसिस किया है तो? उसका रेशियो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है, 60% आप प्रोबेबिलिटी लेके चलिए विनिंग रेट। ओके, विनिंग रेट आपका 60% लेके चलिए। ओके, और रिस्क टू रिवार्ड है ना इसका 1:4 है, और लूजिंग ट्रेड भी ना मैं ब्रेक इवन में क्लोज करता हूँ, अगर मैं प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेड करता हूँ तो। ठीक है, कभी मेरा अच्छा विनिंग ट्रेड जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हिट होगा तो ब्रेक इवन पे हिट होगा, वो मेरी गलती होगी कि मैं ओवर ट्रेडिंग करके या मेरे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करके मैं ज्यादा जाऊंगा तो और लॉस कर ले सकते। अच्छा एक चीज़ बताओ मोहम्मद, जो आपकी सड़क जर्नी थी, आप रूल बेस्ड में आ गए, लेकिन आपको ये पता कैसे लगा कि यार मेरे को ये 5-10 रूल लगाने चाहिए? इसमें मेरे को पता चला तब मालूम, तब ये जब मेरे को लॉस वॉसेस होते थे ना, जब मैं ब्रेक इवन में था ना, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस,
एक दिन प्रॉफिट कमाया, 2 दिन प्रॉफिट कमाया और 2 दिन का प्रॉफिट दवा लगा दिया, ठीक है भाई, गया तो 2 दिन का प्रॉफिट जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो तब एक पता चला कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ होता है इसमें, रिस्क को भी ये करके चलना है, प्रॉफिट तो होता रहेगा बट अपना कैपिटल और प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ना है। और एक रूल मैं बना के रखता हूँ, आज समझ लो मेरे को 50,000 प्रॉफिट हुआ तो कल 25-30,000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकूं, मतलब उसका 50% देने रेडी हूं, मतलब उसका 100% नहीं देना है, एक रूल बना के रखा हूं। ओके ओके ठीक है, आज समझ लो 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो कल 25,000 से ज्यादा लॉस नहीं करना है, अगर लॉस हुआ तो बंद करना है सिस्टम के हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से। कभी रूल ब्रेक करके भी उसको ओवर ट्रेडिंग करके भी लॉस कर ले सकते हैं, वो भी इमोशंस पे डिपेंड है, साइकोलॉजी। नहीं तो ये जो रूल है कि आज का प्रॉफिट और कल उसका आधा, मैक्सिमम आधा लॉस हो सकता है, क्या इसको भी यू कैन इंटीग्रेट विद इन द रूल्स? या यू कैन, ये भी रूल्स, या ये कैन यू शो इट कि कैसे करते हो ये चीज अगेन? मंडे के दिन 70,000 कुछ प्रॉफिट हुआ था, 70,200 समथिंग, और ट्यूसडे के दिन देखिए मॉर्निंग में 2 मिनट में मेरा सिस्टम में जो मेरा स्ट्रेटजी है ना, बस 4 मिनट में स्टॉप लॉस ले लिया मेरा पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो ये जो ये स्टॉप लॉस था, ये पिछले दिन के प्रॉफिट के हिसाब से कॉन्फिगर कर रखा था क्या? हाँ, पिछले दिन के हिसाब से मैं कॉन्फिगर कर लेता, आज मेरे को प्रॉफिट हुआ 70,000 का, कल मैं इसको रिस्क आधा ले सकता हूँ 30,000 का, तो मैं 30,000 के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करूंगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड ये दिस इज, ये कोडेड किया हुआ है? हाँ, ये कोडेड, मतलब वो मॉर्निंग में मैं सिस्टम में कॉन्फिगर कर दूंगा कि इधर पे एग्जिट हो जाना है। मैं अगर चाहे तो मैं इसको और ट्रेड कर सकता था, बट है ना, मैं बहुत बार जो मैं रूल ब्रेक कर देता हूँ ना, तो उस दिन वो मेरा बैड डे ही हो जाता है, ये कुछ सिस्टम बना के रखा हूँ। ओके, अभी आज का मेरा प्रॉफिट है 30,000 ना, तो कल एक्सपायरी है, 30,000 रिस्क कर सकता हूँ, कल एक्सपायरी है ना, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं बस। अच्छा, उधर एक्सेप्शन दे रखा है, वन इज टू वन, थोड़ा एक्सपायरी है ना, थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकता है बोल के उतना ही बस। अगर नॉर्मल डे होता तो मैक्सिमम 15,000 या उस दिन ट्रेडिंग नहीं करता। ओके, और अगर मान लो कि 3 दिन की स्ट्रीक चल रही है लगातार प्रॉफिट की, हाँ, तो उस दिन कुछ ऐसा करते हो कि आगे चल के मैं, मतलब हाउ डू आई कैपिटलाइज ऑन दैट? 3 दिन की विनिंग, हाँ वैसे नहीं, वो 3 दिन की विनिंग स्ट्रीक चल रही है, वो डिपेंड करता है, अगर एक्सपायरी आ रहा है तो वही 1% से दो स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो सकता हूँ। जैसे समझ लीजिए 3 दिन मेरे को 2% का प्रॉफिट हो गया, तो मैं एक्सपायरी के दिन 1:2 वही एक्सपायरी के दिन 1:1 ये कर सकता हूँ। बट अगर मेरा विनिंग स्ट्रीक ही नहीं है, दो तीन दिन से मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं ज्यादातर एक्सपायरी ट्रेड अवॉइड करता हूँ, उस दिन ट्रेड नहीं करता। तो उसमें फिर साइकोलॉजी तो टेस्ट हो रही है ना, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग कि विच डे व्हाट स्ट्रीक, क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बेस पे यू डिसाइड। ये बहुत डायनामिक चीज़ है, मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन योर स्ट्रीक। हाँ, यस यस, मतलब एक फ्लेक्सिबल होके चलना है, मतलब यही नहीं कि एक प्लान ए प्लान बी भी बना के चलना है, मतलब ये भी हो सकता है, ऐसे सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है ना मार्केट में, वो अपने हिसाब से नहीं चलेगा, बट इसमें मेन चीज़ है रिस्क मैनेज करके चलना, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और ये चीज पहले 5 लाख के लॉस ने सिखा दी है। उतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ उसके बाद? उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद मतलब अभी कैपिटल के हिसाब से, परसेंटेज वाइज के हिसाब से नहीं हुआ है। परसेंटेज अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज ले लेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से नहीं हुआ है। अभी समझ लीजिए, जब 10 लाख का था तो 2,20% हो गया, अभी 50 लाख का है तो 1 लाख आपका 2% है, तो आरओ परसेंटेज के हिसाब से कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आई मीन आई डोंट नो इफ यू लाइक टू शेयर और नॉट, बट हाईएस्ट प्रॉफिट, ओके परसेंटेज तो यू कैन शेयर, हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज आपके कैपिटल का कितना रहा है? 3.5%। आई एम अज्यूमिंग कि अच्छा खासा कैपिटल होगा ये, 50 लाख से कैपिटल। तो जब, तो फिर बताइए आप, ओके तो जब ये 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हाउ डिड यू कंट्रोल योरसेल्फ? मेरा क्वेश्चन सिर्फ साइकोलॉजी पे होएगा। उस टाइम क्या किया मालूम, मैं क्वांटिटी को छोड़ दिया, खाली पॉइंट्स देख रहा था मेरे, कितना मेरे को पॉइंट्स मिल रहा है, मतलब ओके मैं उस टाइम मेरे को ये कर लिया कि ठीक है क्वांटिटी को छोड़ देंगे, अभी स्ट्रैडल में 200 पॉइंट में सेल किया तो अभी 150 आ गया, तो मेरे को पॉइंट्स कितना मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में, मैं पहले जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो पहले मैं मेरे MTM को 0 लाने के लिए देखता हूँ, मेरे को 0 देना है बस। अगर मेरा एक बार मेरा MTM स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 0 आ गया ना,
तो मेरे को रिलीफ आ जाता है। ठीक है, अभी मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भी मेरे को जीरो जाएगा, स्लिपेजेस होके 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जा सकते हैं, बट मेरा जो इससे नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, और मेरे पास कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं एक और ट्रेड ले सकूं, मतलब जितना रिस्क डिफाइन किया उसको ले सकूं। अगर वो कोशिश रहती है मेरी पहले सुबह में। तो अगर करेंसी पॉइंट्स ही बन गए हैं जो कि होती है मेजर, आई मीन फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है, तो आप सोचते भी सिर्फ पॉइंट्स की सोच पे ही हो कि आज सुबह उठाऊँ, आज आज मान लो एक्सपायरी डे है, तो ऐसे सोच आएगी कि यार मैं आज मार्केट और वॉलेटाइल है लेट्स से, तो आप सोचते हो कि यार 100 पॉइंट निकाल के देखता हूँ, 150 पॉइंट निकाल के देखता हूँ, क्या सोच होती है? मैं जब भी सुबह आता हूँ ना, सुबह मैं देखता हूँ मार्केट का, जैसे एक्सपायरी के दिन स्पेशली, वो मेरा जो सिस्टम में देखे ना स्ट्रैडल चार्ट, अगर समझ लो कल मार्केट स्ट्रैडल प्रीमियम 250 में क्लोज हुआ, अगर ओपनिंग में ही वो 250 245 चल रहा है तो मैं इमीडिएट ट्रेड लेता हूँ। ओवरनाइट कुछ डिके नहीं हुआ है, अगर मार्केट 15-20 मिनट भी साइडवेज जाता है ना, तो मेरे को अच्छा खासा डीके मिल जाएगा कि मैं वो पॉइंट्स को ट्रेल कर सकूँ, एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। इसको इसको थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी समझ लीजिए, अभी फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे नाइट मार्केट 300 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ है, मतलब 42,000 स्पॉट चल रहा है, 150-150 पुट और क्लोज कंबाइंड प्रीमियम देखता हूँ मैं, कंबाइंड दो का मिला के, ठीक है 300 क्लोज हुआ है, इसका क्लोजिंग प्राइस 300 पे क्लोज हुआ, सुबह मार्केट ओपन हुई, वो मेरा चार्ट देखे ना, उधर प्रीवियस और ओपनिंग बताता है स्ट्रैडल का कितना है, तो मैं उस पर पहले नजर डालूंगा, अगर मार्केट 300 पे क्लोज हुआ, वो 300 पे ही ओपन हो रहा है, तो ओवरनाइट कुछ नहीं डीके मिला है, तो स्टार्टिंग ट्रेड ले लेता हूँ कि अगर मार्केट 5-10 मिनट भी साइडवाइज चले गया ना, तो मेरे को अच्छा खासा डीके मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, वो डीके को मैं ट्रेल कर सकता हूँ आराम से, उस पर रिस्क ले सकता हूँ। तो इस इन केसेस में ओवरनाइट जाके देख लेते हो, कि कुछ केसेस में ओवरनाइट जाते हो फॉर दैट मैटर, एंड अगर टाइम डिके के कारण कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो कभी नहीं जाता हूँ, इवेंट रहेगा तो कभी कभी नहीं जाता हूँ। यार रात को सो गए और रात को कुछ हो गया, बट इट्स गुड दैट यू लर्न, बहुत जल्दी सीख लिए, और फीस तो चलो फिर भी ठीक थी, ऐसा नहीं कि कम थी फीस। इस सिस्टम को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हो, सिस्टमेटिक जो जो रूल्स सिस्टम रूल्स बेस्ड हैं, और कैसे आइडियाज आते हैं कि मैं और क्या करूँ इसको इवॉल्व? वही ना, वो बैक टेस्टिंग, जैसे मेरे को अगर मैं उसको उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको एक लिखता हूँ लेडजर में, लिखता हूँ क्या क्या हुआ था स्पॉट, मैं देखता हूँ चार्ट पे टाइमिंग, कहाँ पे एंट्री हुआ, कहाँ पे एग्जिट हुआ, और स्पॉट क्या ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, उस पर एनालिसिस करता हूँ बैठ के, क्या हो गया आज गलती, ये सिस्टम के हिसाब से ही चला या कुछ और, या अपना सिस्टम से बाहर चल गया कि हम लोग गलती कर दिया या सिस्टम में था। जैसे मेरा गलती है तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं सिस्टम मेरा ही गलती है, सिस्टम का कुछ नहीं है, अगर सिस्टम का गलती है तो सिस्टम वही बोल रहा हूँ ना, ये 100% आपको विनिंग रेट नहीं है, 60-80% है, बट आपका विनिंग रेट जब ऐसे ट्रेड जाता है ना, तो आपको 1:3 का रिवॉर्ड। सिस्टमेटिक ट्रेडर ना बहुत कम मौका मिला है हमने हमसे, आई मीन वी हैव इंटरेक्टेड वेरी लेस, दो तीन लोगों से ही बात हुई, एंड दे आर वेरी काइंड कॉन्फिडेंट कि उनका सिस्टम इज़ फार बेटर देन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स को साइकोलॉजी की ही दुनिया में फंसे रहते हैं वो लोग, आई मीन दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट्स राइट, बट डू यू एग्री विद दैट थॉट? नो नो नो, साइकोलॉजी कम्स इन नॉन डिक्शनरी एंड डिक्शनरी, बोथ साइकोलॉजी प्लेस बोथ, बट द सिस्टम ट्रेडिंग इज नॉट, उसको हम लोग 100% नहीं मान सकते, वो आपको 100% कभी नहीं देगा सिस्टम ट्रेडिंग, कोई भी आप सिस्टम ले लीजिए, आप उसको ड्रॉडाउन लेके जाना है, अगर मंथ का मैं सोचा हूँ, बड़े बड़े ट्रेडर जो 50-60 करोड़ पे हैंडल करते हैं ना, मैं ट्विटर में देखता हूँ कि अगर आपका सिस्टम ट्रेडिंग है तो आपको 20% का ड्रॉडाउन भी लेना पड़ेगा मंथ का, अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ऐसा नहीं कि आपको सिस्टम ट्रेडिंग हमेशा पैसा करके देगा, बट वही आपको रिस्क और रिवॉर्ड पे चलना है, आपका सिस्टम कैसे डिफाइन किया है, अगर 70% भी आपका विनिंग रेट है और 1:3 है, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी हैविंग सम प्रॉफिट इन योर पॉकेट। कभी मन करता है वापस डिस्क्रिशनरी की तरफ जाने का, पर अभी 5-6 करोड़ तक, 5-10 करोड़ तक तो यही चलेगा, यू सेड सो। हाँ अभी तो यही प्लान है मेरा, तो देखते हैं अभी अगर अगर मार्केट ऐसे कंडीशन चेंज होता है या कुछ नया मिलता है, तो मे बी कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं स्टाइल में। लाइफ थोड़ी चिल रहती है ना इसमें, काम भी करते रहो अपना और ट्रेडिंग हो रही है, और लॉस लेने का जिगरा आ गया है, मतलब लॉस लेने की ताकत आ गई है, मतलब वही ना जो डिफाइन किया वो लॉस ले सकता हूँ, अगर ज्यादा हो गया तो थोड़ा ये भी होता है, बट चलना है सिस्टम। एंड हाउ एज अ पर्सन आप इवॉल्व किस तरह से हुए इन चीज़ों ने, इन थप्पड़ों ने या इन खुशियों ने,
आपको एज ए पर्सन कैसे चेंज किया है? इसमें क्या एक चीज बहुत सिखाऊं कि आपको सेल्फ बिलीफ रखना है अपने आप पे, जो भी आपको जो भी प्लान किए आप उसको एग्जीक्यूट किए, आप फेलियर हो गए तो भी आप एक लेसन सीखोगे, ये ट्रेडिंग हो या बाहर कुछ भी हो, आपका बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, जो भी प्लान बनाए आप अगर उसका प्लान में फेलियर भी आए तो आपको लेसन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जल्दी मैच्योर हो जाता है ना इंसान। हाँ जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। और क्या है मालूम, आदमी जो अपने आसपास है ना इसको समझ नहीं पाते कि ये गैम्बलिंग है बोलते हैं, बट मालूम नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या चीज देखना रहता है। सुबह में आए, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, तो वो गैम्बलिंग के जैसे ही हो जाएगा ना। अगर आप कुछ स्टडी करके एनालिसिस करके कर रहे हो तो आपका एक बिजनेस, मैं इसको मेरे बिजनेस के साथ ट्रीट करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मैं मेरा बिजनेस प्लान जो भी है मैं प्रोफाइल बना के रखता हूँ, ये मेरा एक्सपेंसेस है सब चीज के, तो ऐसे इसको बिजनेस के साथ ट्रीट करता हूँ मेरा है। आदमी जो बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता अभी, बट मैं इसको ट्रीट करता हूँ बिजनेस के जैसा, मेरे को मालूम है क्या है बोल के, जो नहीं मालूम है वो बोलेगा, उसको ठीक कर भी नहीं सकते, उनका काम है बोलना। बट देन पता क्या है, बंदा इन सोसाइटी पीपल रिस्पेक्ट व्हेन यू हैव थिंग्स टू शो, गाड़ी आ गई, घर आ गया, तब जाके अच्छा अच्छा क्या, अच्छा क्या करते हो आप, अब बताओ मेरे को, तो वो दैट्स द लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली, दीज आर द वेज। अच्छा लगा मोहम्मद बात करके यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। हम थोड़ा टेक्निकली हो गए और मुझे लगा कि अच्छा किया हम टेक्निकल हो गए, बिकॉज इन दिस केस ना दी लर्निंग आस्पेक्ट हैज़ बीन मच वाइडर। किसी को भी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग शुरू करना है या समझना है, थ्रू दिस स्मॉल 40-50 मिनट इंटरेक्शन आई थिंक काफ़ी लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि यार सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होती है, साइकोलॉजी इसमें भी यूज़ होती है। देर इज़ अ ह्यूज मिसकंसेप्शन आउट देयर कि रॉबर्ट को दे दो, रॉबर्ट एल्गो के बेस पे अपने आप से कंडीशन लगाता रहेगा। पूरा स्किल सेट यूज़ होता है, पूरी साइकोलॉजी यूज़ होती है, रॉबर्ट सिर्फ एग्जीक्यूशन करके देता है। अब यासुब, थैंक यू सो मच मोहम्मद फॉर शेयरिंग ऑल दिस, एंड मज़ा आया कॉन्वर्जेशन करके, एंड इट फील्स गुड दैट आई एम टॉकिंग टू समबडी हूज एन इंडियन ऑब्वियसली, बट सिटिंग आउटसाइड इंडिया एंड ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। है ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में वैसे भी, तो इट मेक्स टोटल सेंस टू डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।